हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप की, जिसमें इम्यूनिटी अपना कंप्लीट हो गया था। बात है ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि पहले मैं जो ब्लड ग्रुप की नॉर्मल चीज़ें हैं, RBC वगैरह, जो कार्पल्स और प्लाज्मा वगैरह, वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अपन बात करेंगे ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर की। तो ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, और ब्लड ग्रुप में बात करेंगे अपन RH फैक्टर की। देखिए, RH फैक्टर, इसको रीसस फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीसस फैक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डिस्कवरी जो है वो एक मंकी में करी गई थी, एक बंदर में करी गई थी, जिसका नाम है मकाका रीसस। ठीक है। और इसकी जो स्पीसीज का नाम है वो है मकाका मुलेट्टा। इसकी जो स्पीसीज का नाम है वो है मकाका मुलेट्टा। ठीक। इसकी अगर मैं बात करूं RH फैक्टर की, ये एक प्रोटीन होता है और लगभग 417 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ एक प्रोटीन होता है। इसके बाद जब ह्यूमन में इसकी डिस्कवरी करी गई तो पाया गया कि कई ह्यूमंस में तो ये पॉजिटिव यानी पाया जाता है, जिनको कहते हैं RH पॉजिटिव, और कई ऐसे ह्यूमंस हैं जिनमें नहीं पाया जाता, इसको कहते हैं RH नेगेटिव। ह्यूमन की RBC की सरफेस पे ये प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। 85% ह्यूमंस ऐसे हैं जिनमें ये पॉजिटिव होते हैं, यानी जिनमें RH फैक्टर पाया जाता है, और 15% ऐसे होते हैं जिनमें ये नहीं पाया जाता, यानी ये RH नेगेटिव होता है। अगर मैं बात करूं कि ये इसके टाइप्स की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, तो ये कुछ 5 टाइप्स का होता है RHD, RH कैपिटल E, RH स्मॉल E, RH कैपिटल C और RH स्मॉल C, जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट RHD होता है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है। ये बात है कुछ RH फैक्टर के बारे में। ठीक। अगर मैं बात करूं कि ऐसा हो जाए कि RH नेगेटिव के अंदर RH पॉजिटिव का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाए, रक्तदान किया जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाए, खून चढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा? देखो, RH एंड नेगेटिव में RH फैक्टर नहीं पाया जाता, RH फैक्टर नहीं पाया जाता, और इसमें RH फैक्टर पाया जाता है। जैसे ही इसमें आएगा तो, क्योंकि ये अपने साथ RH लेके आएगा, ये RH इसके लिए एक तरीके से एंटीजन का काम करेगा। मैंने आपको बताया था बाहर से आने वाले पैथोजन्स या कोई भी ऐसे एक्सटर्नल कंपोनेंट जो बॉडी के अंदर आते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए एज ए एंटीजन काम करते हैं। तो ये एंटीजन आएगा तो ये अपने अंदर एक एंटीबॉडी बनाने लगेगा इसके खिलाफ, जिसको कहेंगे IgG। कौन सी वाली बनाएगा? IgG। और ये IgG जो है ये इसकी सरफेस पे आएगा, ब्लड ग्रुप RBC की सरफेस पे। ये इस पर्सन को जो RH नेगेटिव है, इसकी RBC को डिस्ट्रॉय कर देगा इसकी वजह से। और जैसे ही डिस्ट्रॉय करेगा तो ये एक बिलरूबिन नाम का टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करेगा, और ये इस RH नेगेटिव जो इस जिसमें ब्लड चढ़ाया गया है, इसकी लिवर और स्प्लीन दोनों ही फंक्शनिंग करना बंद कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे। साथ ही साथ इसकी जो किडनी है वो फेल हो जाएगी,
और अल्टीमेटली इस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ये हो सकता है अगर नेगेटिव में पॉजिटिव का ब्लड चढ़ाया जाए तो। ठीक है, आपने एक बार इसमें नोटिस करी होगी कि इस आरएच नेगेटिव के पास पहले ये एंटीबॉडी मौजूद नहीं थे, प्री सिंथेसाइज नहीं थे। जब ये आरएच पॉजिटिव आया तब इनको सिंथेसाइज किया गया, यानी कि ये जब कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आता है तो एंटीबॉडीज़ अपने आप प्रोड्यूस होने लगती हैं बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट और उसको मारने की कोशिश करती हैं। तो ये होगा अगर किसी नेगेटिव में पॉजिटिव का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाए तो। नेक्स्ट, एक और बात जो मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसका जो वो तो है आरएच नेगेटिव, क्या है सॉरी वो है आरएच नेगेटिव और जो फोइटस है, मदर तो है आरएच नेगेटिव और फोइटस है आरएच पॉजिटिव। फोइटस क्या है? आरएच पॉजिटिव। फोइटस यानी उसके जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको फोइटस कहते हैं। तो क्या होगा? देखिए आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव माँ है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, जो बच्चा है वो नॉर्मली वो डिलीवर्ड हो जाएगा। पर होगा क्या, इस आरएच पॉजिटिव का ब्लड इस माँ के अंदर ये आरएच पॉजिटिव का ब्लड आरएच नेगेटिव के साथ मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। अब इसका ब्लड कैसा हो गया, इसमें आरएच पॉजिटिव भी क्या है, मिक्स है, यानी ये भी एक तरीके से आरएच पॉजिटिव है। प्लेसेंटा के लिए वो सॉरी जो वॉम्ब है जहाँ पे बच्चा पलता है वहीं। अब क्या होगा, अब सेकंड प्रेगनेंसी के समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। कैसे? अगर बच्चा है सेकंड प्रेगनेंसी में माँ तो हो गई ये इस पॉजिटिव मिक्स है, बेबी हो गया आरएच नेगेटिव। क्या हो गया? आरएच नेगेटिव। तो इसकी पॉजिटिव जो है प्लेसेंटा के थ्रू इस तक पहुँचेंगी और वही एगल्टिनेशन की प्रोसेस होगी और एगल्टिनेशन की प्रोसेस की वजह से इसकी जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बच्चा गर्भ में ही वॉम्ब में ही मर सकता है या फिर बाई चांस सर्वाइव कर गया तो उसमें हमेशा हेपेटाइटिस का वो शिकार रहेगा, उसको हेपेटाइटिस रहेगा और भी कई तरह की बीमारी रहेगी। इससे बचने का एक ही उपाय है, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी उसके 24 आवर्स के दौरान एक वैक्सीनेशन लगाई जाए जिसका नाम है रोगम एंटीबॉडीज। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर बाद में पता चले तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज, बेबी का ब्लड ट्रांसफ्यूज करके पॉजिटिव डोज में डाला जाए तो भी ये सिचुएशन से बचाया जा सकता है। और इस डिजीज़ को या इस सिचुएशन को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। तो इस डिजीज़ का नाम याद रखें और इस एंटीबॉडी का नाम याद रखें, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये बात हुई आरएच फैक्टर की। आई होप आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।